आज जीवन में कहीं हम भौतिकता में जाने लगते हैं, अध्यात्म छूट जाता है, अध्यात्म में जाने लगते हैं, भौतिकता छूट जाती है। बहुत से लोग ऐसा समझते थे, समझते हैं आज भी, भक्ति में जाने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ेगा, साधना में जाने के लिए बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, साधना में जाने के लिए हमें अलग से कोई वेशभूषा तैयार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको दुनियावी रूप से, परिवार की ओर से, माता पिता की ओर से, पत्नी बच्चों समाज की ओर से, इवन देश की ओर से और ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी होंगी अगर आप अध्यात्म हैं। अध्यात्म मीन स्पिरिचुअल मीन रूहानियत मीन, ऐसा नहीं आप माला पकड़ के बैठ जाओ और बच्चे भूखे मरते रहें। रूहानियत का मतलब ऐसा नहीं कि आपके माता पिता खाने के लिए मुताज हैं, बीमार हैं, आप कहते नहीं मुझे तो मंदिर जाना है, मुझे तो पूजा करनी है, मैं कैसे संभालूं मम्मी पापा को। इससे भक्ति पूर्ण होती है जब आप माता पिता की सेवा करते हो और आपको अंदर से एक ऐसी ताकत मिलती है दोस्तों जो माँ एक आशीष दे सकती है ना आपको, एक पिता जो आपको दुआ कर सकता है, दूसरा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।